इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान एग्जाम 2022 में पूछे गए राजस्थान जीके के 1000 प्रश्नों का संग्रह के पार्ट 7 की चर्चा करूंगा। पार्ट 1 से लेकर 6 तक अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेली आपको 7 PM पर यह सीरीज देखने को मिलती है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहीं आपको अपडेट दी जाती है। तो अब चर्चा करता हूँ मैं पार्ट 7 के क्वेश्चन नंबर 301 से, क्योंकि 300 नंबर तक क्वेश्चन आपके पार्ट 1 से लेकर 6 तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट 7 में चर्चा करूँगा क्वेश्चन नंबर 301 की। ये एक टॉपिक आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे राजस्थान की कोई भी भर्ती हो, क्योंकि 2022 में जितने भी एग्जाम हुए उनमें पूछे गए क्वेश्चन का संग्रह है। तो 301 नंबर का क्वेश्चन है, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्टिसोल मिट्टी आपके राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में मिलती है। जैसे कि ये आप देख सकते हो, उत्तर यहाँ होता, दक्षिण यहाँ होता, पूर्व यहाँ होता, पश्चिम यहाँ होती, तो ये पार्ट जो है दक्षिण पूर्वी पार्ट, यहाँ पर आपके वर्टिसोल मिट्टी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मजाज भक्ति पदार्थ रचनाएं किस संत की हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, धर्मजाज और भक्ति पदार्थ रचनाएं संत चरणदास की हैं। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से चरणदास, संत चरणदास की कौन सी रचनाएं हैं, और आपको धर्मजाज या भक्ति पदार्थ देखने को मिल सकती है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थुना का मंडलेशा मंदिर किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थुना का मंडलेशा मंदिर चामुंडराज परमार ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के किस शासक ने नागा दादू पंथियों को सेना में भर्ती किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने नागा दादू पंथियों को सेना में भर्ती किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी और KN दीक्षित ने उत्खनन किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बैराट पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी और KN दीक्षित ने उत्खनन किया था। अब देखो, इस एक ही क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन बन रहा। पहला क्वेश्चन कि किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी और KN दीक्षित ने उत्खनन किया? तो आपका आंसर हो जाएगा, बैराट स्थल। अगर पूछे बैराट स्थल का उत्खनन कब किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1962-63 में। अगर क्वेश्चन पूछे बैराट स्थल का उत्खनन 1962-63 में किसने किया, तो आपका आंसर हो जाएगा, NR बनर्जी और KN दीक्षित ने। किसने किया, ये क्वेश्चन आपके RPSC फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था और यहां भी किसी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल था। क्या था? पेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य श्रावण भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ क्षेत्र का गौरी नृत्य श्रावण भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल और माई सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्म है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंबल और माई सुगंधा आपके चावल की उन्नत किस्म है। अब एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से चावल की उन्नत किस्म कौन सी है, जहां आपको चंबल भी देखने को मिलेगा और तीन ऑप्शन और भी मिलेंगे। तो आप ये मत समझना यहाँ चंबल नदी की बात करें, यहाँ चंबल किस्म की बात करें जो कि चावल की है। चह से चंबल, चह से चावल, और माई सुगंधा भी चावल की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का डेगाना भाकरी क्षेत्र टंगस्टन खनिज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में 2020-21 में टोटल 6 जिले अकाल से प्रभावित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है। और अगर पूछे काजरी संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपसे चर्चा कराऊँ पार्ट 7 की। डेली आपको 7 PM पर यह सीरीज देखने को मिलेगी, जिसमें टोटल आपके 1000 क्वेश्चन होंगे और आज क्वेश्चन है 300 से लेकर 350 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता का जन्म ऊंडू काश्मीर जिला बाड़मेर में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोक देवता रामदेव जी का जन्म ऊंडू काश्मीर जिला बाड़मेर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का निर्माण किन राज्यों को जोड़कर किया गया?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य संघ का निर्माण चार राज्यों को जोड़कर किया गया। वो चार राज्य कौन से हैं? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अगर आपको ये याद नहीं रहते, कंफ्यूज होते हैं, तो आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो कि मत्स्य संघ के अंत के चार राज्य को जोड़ा गया। वो चार राज्य हैं ए, बी, सी और डी। ए यानी अलवर, बी यानी भरतपुर, सी यानी करौली और डी यानी धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में सबसे अधिक मक्के का उत्पादन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा म से मक्का, म से मेवाड़। तो सबसे अधिक मक्के का उत्पादन राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही कंचन किस फसल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माही कंचन, म से माई, म से मक्का। तो माही कंचन किस्म आपके मक्का फसल से संबंधित है। जिस तरह चंबल चावल, च का चंबल, च का चावल, उसी तरह माही का कंचन, म का माही, म का मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म है गिर और राठी। ग से गाय, ग से गिर, गिर और राठी प्रसिद्ध किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी की पंचमार्क मुद्राएं मिली हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चांदी की पंचमार्क मुद्राएं आपकी बैराट सभ्यता स्थल से मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना का एजीजी कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना का एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख बनाया गया है उदय भान सिंह को, जो कि धौलपुर के शासक हैं। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछे हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया, और ऑप्शन में आपको करौली, कोटा, धौलपुर, उदयपुर ऐसे दे देते हैं। और आपको बताना है कि जो उदय भान सिंह तो सबको पता होता है, लेकिन वो किसके शासक है ये नहीं पता होता, तो आपको पता होना चाहिए कि धौलपुर के शासक उदय भान सिंह को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक मदन पाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना कब की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में की गई। कब की गई है? 1936 में। और कहाँ की गई है? कलकत्ता में की गई है। तो बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में कलकत्ता में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के कौन से जिले शामिल हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र जो बाड़मेर और जालौर हैं ये जिले शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही परियोजना का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सही परियोजना का संबंध जवाई बांध से है। सही में भी लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है, जवाई में भी लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है, इसे आप याद कर सकते हो कि सही परियोजना का संबंध जवाई बांध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिली खाने किस खनिज से संबंधित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोहिली खाने यूरेनियम खनिज से संबंधित है। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, कोई भी अपडेट हो आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद की कौन सी राजधानी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद की राजधानी मंडोर थी। कौन सी थी? मंडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडसा गांव किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैडसा गांव आपके दक्षिणी भाग में डूंगरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार 23° 3' उत्तर से लेकर 30° 12' उत्तर तक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीशॉल की मृदा पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंटीशॉल की मृदा राजस्थान के पश्चिमी प्रदेश में पाई जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, डेली 7 PM पर आपको ये सीरीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोडवार प्रदेश किस बेसिन को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लूणी बेसिन को गोडवार प्रदेश बेसिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के कुदरत सिंह मीनाकारी हस्तशिल्प से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वंश भास्कर के लेखक आपके हैं सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को बाघ संरक्षित स्वरूप में अधिसूचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस भाग में वालरा कृषि की जाती है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वालरा कृषि राजस्थान के दक्षिणी भाग में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह वृक्ष खैर है जिसमें से कत्था निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमलगढ़ और गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाने जाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुमलगढ़ और गोगुंदा के बीच में विस्तृत पठार फोराट पठार के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामधेनु नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कामधेनु नदी के नाम से चंबल नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी फीडर राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है, तो राजस्थान फीडर में इंदिरा गांधी फीडर की जो लंबाई है वो 204 किलोमीटर है। कितनी है, 204 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर की सभ्यता किस संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गणेश्वर की सभ्यता ताम्र युगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की आहाड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक दशरथ शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीका के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कीका के नाम से महाराणा प्रताप को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन भद्रशूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिन भद्रशूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के जैसलमेर शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फौजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फौजी लंबरदार आपके भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित थे। भ से फौजी लंबरदार, भ से भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत मार्तकुंडिया से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेवरी आभूषण शरीर के पाँव में पहना जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजारा की ओवरी आपके देवगढ़ शैली का भित्ति चित्र है। एंड लास्ट क्वेश्चन, श्रीलाल जोशी का संबंध किस लोक चित्रकला से है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलाल जोशी का संबंध आपके फड़ चित्रण से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आपके थे 350 क्वेश्चन पार्ट 7 राजस्थान जीके 2022 में पूछे गए 1000 प्लस क्वेश्चन के संग्रह का पार्ट 7। डेली आपको ये सीरीज देखने को मिलती है 7 PM पर हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।